तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड इवनिंग गोकुल धाम वासियों। गुड इवनिंग। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी शॉफर ड्रिवन गाड़ियां क्यों भेजी गई है, तो इसका एक ही जवाब है, आम खाइए गुटलियां मत गिनी। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। फिर से वही चीज, आम खाइए गुटलियां मत गिनिए। हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं नाम, निकलता है आम। बस में चलो आम खाने लगते हैं। प्लीज आप सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाइए, फ्लाइट का टाइम हो गया है। चलो 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 चलो। बोलो वंदे माता की जय। चलो गणपति बाप्पा। बात है। बोली चल कितनी देर। अरे यार टप्पू मुझे नहाने देना यार आराम से। आज तो एटलीस्ट 2-3 घंटे तो नहाऊंगा यार। क्या व्यू है, नहाने का अलग ही मजा आ रहा है यार। ठीक है फिर तू 2-3 घंटे तक नहाते रहे, फिर भीड़ अंकल डांटेंगे तो मुझे मत बोलना। यार छोड़, वेकेशन में भीड़ अंकल की डांटने का नहीं। आता हूँ। बाय, सी यू सून। इस सुंदर शहर पर तो पंक्तियाँ हो जाए। हाँ सुनाओ। आप सुनाइए। अरे मुझे कह रही हो, देखो तो कितना ये खूबसूरत शहर है, देखो तो कितना ये खूबसूरत शहर है, पर उधर क्या खूबसूरती जो खूबसूरती इधर है। क्या बात है। बबीता जी ये देखिए, कांच की ऊंची ऊंची बिल्डिंग कितनी मस्त है ना। ऐसा लग रहा है वो कांच का डबकले है। क्या है डबकले? डबकले वो छोटे छोटे बच्चे नहीं एक के ऊपर एक रखते हैं। ह्यूमन ब्लॉक्स। ह्यूमन ब्लॉक्स। या ओके। हाँ बिल्कुल। हाँ एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ एकदम आपके जैसा है। आप भी तो कांच की पुतली है ना। अरे भाई कहाँ है तू? मिल गए ना चाचा जी, मिल गए ना। तुम कहाँ चले गए थे? मैं वापस वहाँ पे आया था लेकिन तुम सब लोग गायब हो गए थे। चाची भाई सबको मैं विनती करता हूँ, मेहरबानी करके कोई खोना मत, अभी साथ में रहते और मजा करते हैं, ठीक है? तो अभी अगली राइड कौन सी है टप्पू? रिवर क्रूज पापा, रिवर क्रूज। शांति शांति से देखो, अलग ढोलक नहीं हो जाए। हाँ ये होली में एकदम संभाल के, हाथी भाई खास करके, हाथी भाई संभाल के, एक एक करके, एक एक करके आओ, शांति से आओ। अच्छा यार भाई एक बात बताइए, आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो क्या तीखा खाना पसंद है? हाँ। तो अगर मैं आपको तीखा खिलाऊं तो आप खा लेंगे? जयड़ा लाल मैं तीखा तो एकदम कुजी खा सकता हूँ। अच्छा लेकिन मीठा इल्ला, मीठा मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा अरे वाह सुनो तो यार भाई अभी ऑर्डर दे दिया, तीखा खाना आएगा, खा लोगे ना? पीछा तो नहीं हटोगे? अरे जयड़ा लाल पीछे हटना तो मैंने सीखा ही नहीं है।
ये अय्यर भाई को दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या डाला? या तो मिर्ची है। क्यों, अभी आपने बोला ना तीखा कितना भी होने दो, मैं खा सकता हूँ, तो अभी खाइए। जैठा लाल, मैं तीखा खाना खा सकता हूँ, लेकिन यह तो मिर्ची है। अरे मिर्ची भी खाने की आइटम है भाई कृष्णा नैयर। अरे वाह, थैंक यू सोनी। ओके पापा, रहने दीजिए ना, ये भाई सिर्फ मिर्ची कैसे खा सकते हैं, देखने से ही पता चलता है कि ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है। अरे भाई, अय्यर भाई ने बोला कुछ भी हो जाए मैं तीखा कितना भी खा सकता हूँ, मीठा नहीं खा सकता। तभी तीखा है उनके सामने, तभी खा के बताए, खाओ खाओ खाओ। लेकिन जाड़ालाल, सिर्फ मिर्ची मैं कैसे खाऊंगा बबीता? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई। अय्यर भाई, हमारे सेठ जी मीठा जितना खा सकते हैं तीखा भी उतना ही खा सकते हैं, नहीं सेठ जी? और अय्यर भाई, अगर ये मिर्ची खाने का चैलेंज आप हमारे सेठ जी से लगाओगे तो हमारे सेठ जी जीतेंगे। ऐसा बात है तो फिर जयड़ालाल, मैं तुमको चैलेंज करता है कि तुम मिर्ची खाने में मेरे को हरा नहीं सकते। ठीक है, चलो एक मिनट के अंदर देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा मिर्ची खा सकता है। हा? जो सबसे ज्यादा मिर्ची खाएगा वो तीखे का शहंशाह कहलाएगा। अय्यर, मंजूर है? ओके, डन। ठीक है, शुरुआत आप कीजिए, मैं गिनता हूँ, देखते आप एक मिनट में कितनी मिर्ची खाते है। बगा, समय देख बराबर। अय्यर भाई, आपका समय शुरू होता है। वो दो मिर्ची रखो, जीरो हो गया, टाइम हो गया, वो नहीं गिना जाएंगे, और रखो नीचे। अभी गिनो टबू कितना खाए। हाँ बाबा। हाँ हाँ अय्यर भाई, एक मिनट सेठ जी, अब आपकी बारी। अय्यर भाई ने 16 मिर्ची खाई है और आपको जीतने के लिए एक मिनट में 17 मिर्ची खानी है। Come on, Jada Pra, you can do it. हाँ सेठ जी, और अगर टाई हुआ तो फिर से एक एक मिनट के लिए खेलेंगे। आपका समय शुरू होता है। एक मिनट भाई, एक मिनट बापू जी। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता जी। अब तुम्हारा बारी। आपका समय शुरू होता है अब। पापा,
खाइए 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 खाइए। सॉरी आपको जो करने वो करो। सॉरी मैं नहीं खा सकता। अय्यर भाई आप जीत गए, मैं हार गया। ये चीटिंग है। अरे इसमें चीटिंग क्या भाई, मैं कबूल करता हूँ कि मैं नहीं खा सकता। आप जीत गए, मैं हार गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया रूम है सपुड़ा। वाह बादाम संतरे केले मालना पड़ेगा। टप्पू सेना की तैयारी एकदम जोरदार है। दादाजी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस गोवा की ट्रिप में आपको बहुत ही मजा आएगा देखना। हाँ वो तो है, मजा तो। अरे बाजू फ्रंट में आया टप्पू। आराम से आराम से। अरे टप्पू इसने हमारे रूम्स के भी फ्रूट खा लिए, अब तेरे रूम क्या खा रहे। पिलो दे। सॉरी दादाजी आपको लगा तो नहीं ना, ठीक हो ना। अरे तेरा दादा इतना कमजोर नहीं है। सर चाचा जी देखिए साइकिल में पैडल मारना पड़ता है, रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, जोर लगाना पड़ेगा। तो भी मैं साइकिल पे ही आऊंगा। ठीक है आप आइए साइकिल पे, मैं जाता हूँ जीप से। एक मिनट रुके, बिल्ली मत कर, तू भी साइकिल पे ही आएगा। लेकिन एक ही साइकिल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तू मेरे साथ डबल सीट में आएगा। क्या डबल सीट? ना चाचा जी राहुल, इस उम्र में कुछ अगर हो गया तो। अभी तो तू डबल सीट पे ही आए। चल उतार चढ़ाव पे साइकिल जैसे चलाई जाती है ना, वो तेरा चंपक चाचा तुझे दिखाएगा। चल 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 बैठ जा। नहीं खाड़े मैं आराम से आ जाऊंगा जीप पे, आप जाइए। बिल्ली मास्टर तुझे बोला ना बैठ जा। देख अगर तू डबल सीट पे नहीं आया ना तो मैं बीच पे आऊंगा ही। चल बैठ। कितनी जिद कर रहे हैं आप, बैठ जा। ए भाई ये क्या गुर्दी में बैठेगा, पीछे बैठ। जमेल ना? हाँ चल चल चल। चला जाओ दे। हाँ वो शुरू करने में ऐसा ही होता है। हाँ क्या? चला जाओ दे जाओ दे। ए बिल्ली मास्टर, ए बिल्ली मास्टर रुक, उतर क्या तू? हाँ उतर क्यों यार? हाँ मैं उतरा ही नहीं, मैं तो बैठ। सॉरी तो अभी मुझे पकड़ के रख। हाँ हाँ छोड़ना मत। नहीं 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 अभी बराबर है, अब देख। आराम से आराम से चले, आराम से। हां डर मत, मुझे कुछ होने नहीं दूंगा। हां बाबूजी बाबूजी। अरे क्या हुआ? बहुत ऊपर गया तो मेरा बैलेंस जरा चला गया। अच्छा एक काम कर, ऐसा हो जा अब देख। बापू जी मैंने सोच लिया है, क्या मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आप भी थक गए? क्या हुआ? मुझे टपली क्यों मारा? मैंने तुमको मारा कि पहले तुमने मेरे को मारा? मारा? अरे हटो! अरे वाह भिड़े,
गया बॉय, मान गया ना, है ना। जबरदस्त जबरदस्त अरे भाई भिड़े ने बोला है खास किसी को टिकट निकालने की जरूरत नहीं है। अरे कैसा लगा सरप्राइज बेटा लाल तुम्हारे लिए? आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। थैंक यू भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए खास और एक सरप्राइज है। अरे भाई तू अभी रुलाएगा क्या? अरे भाई जेठालाल गोकुल राव सोसाइटी का जिसने रिनोवेशन किया उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? तूने तो भाई सच में रुला दिया। कोई बात नहीं। Well. सुड़ी पाल बाबू जी, ओपनर बस का आइडिया बहुत मस्त लगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ मेरी शादी की बारात हम ऐसी बस में निकालेंगे। अरे पप्पू शादी की बारात ही क्या, तेरी शादी भी इस बस में ही मनाएंगे। मजा आएगा, पंगड़े झगड़े पाएंगे, घर बार बार खेलेंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। लेकिन थोड़ी हाँ, इसकी शादी करना किसी के बस में नहीं है ना। अहो थैंक यू इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। एक्चुअली इस थैंक यू की असली हकदार तुम हो। मी? हाँ तुमने मुझे समझाया तो मुझे आइडिया आया ना। नहीं नहीं पर आइडिया किसका था? ठीक है आवड़ लेना बस तब... इश ठीक उठे। अरे ते नहीं ये असल हो गया। हाँ हो गया। अभी एक और आइडिया दूँ सफली का। हाँ दो दो दो। आप क्या है? एक मिनट ये जो है ना ये इसको इधर ऐसे रखते हैं, आप इस पे ऐसे पेट पे ऐसे सो जाना और फिर मैं इधर से आपका फोटो लेता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल अगर ये कुछ हो गया और मेरे गिर गया तो बहुत ऊपर है, मेरे को डर लगता है। नहीं नहीं आपको राइड में थोड़ी जाना है, इधर ही ऊपर ही। अरे नहीं नहीं जरा फिर भी मेरे को ये राइड तो बहुत डर लगता है। अरे पर राइड में नहीं जाना है आपको, नीचे तक नहीं जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर ऊपर ही खाली आप पेट के बल ऐसे लेटो, ऐसा पीछे देखना, मैं आपका फोटो खींचूंगा, फिर आप इधर से बाहर आ जाना। ठीक है ठीक है। मम्मी ताजी बोलेंगे तो ओ हो इतना ऊपर से आपने राइड किया। थोड़ा इधर देखो आगे इधर इधर। हाँ स्माइल। अभी यार भाई आप है ना एकदम एक मिनट पूरा ऐसा वो पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो और जब तक मैं बोलूं ना पीछे देखना मत, ठीक है? एक मिनट। हाँ हाँ थोड़ा पैर पैर मोड़ो। एक मिनट ना एक मिनट मैं आपको बोलूं तो अभी पीछे देखना बराबर। शाबाश। एक हाँ बाबूजी देखिए। हाँ बाबूजी क्या मस्त नजारा है। नहीं क्या हुआ बाबूजी? जेठिया ये जहाज ज्यादा हिलेगा तो नहीं ना? नहीं तू आया है यहाँ पहले? नहीं नहीं। तो तुझे कैसे मालूम? अरे लोग बोलते हैं बाबूजी कि इस टाइप के जो जहाज होते हैं ना एकदम बैलेंस वाले होते हैं, बिल्कुल ही हिलता डुलता नहीं है। अच्छा अगर ये जहाज ज्यादा हिलेगा तो
हम लोग खाएंगे कैसे? मतलब मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी जेठिया। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे उतरना है। अरे बापू जी, ऐसे नहीं उतर सकते, अभी ये जहाज तक निकल पड़ा है, मंदिर ही आ गया है। अरे निकल पड़ा है तो क्या, उसे बोल के वापस ले ले जमीन पे। अरे बापू जी का स्कूटर थोड़ी है कि ऐसा टर्न मारा, हैंडल घुमाया तो पहुंच गए वापस जमीन पे। ऐसे वापस नहीं जा सकते, आप चिंता मत करो बापू जी, ये जहाज पे हजारों लोग होते हैं।